हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पूनम सरका किचन में। आज हम बनाएंगे वड़ा पाव, जिसे हम उल्टा वड़ा पाव कहते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आप बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा लोगों के लिए बना सकते हैं और इंस्टेंटली बना सकते हैं। तो जब भी आपको जल्दबाजी में बहुत सारे लोगों के लिए कुछ बनाना हो तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बनाते हैं। ये मैंने लिए हैं 2 कटोरी बेसन लिया है मैंने। इसमें हमने डाला आधी चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच नमक। ये हमने छोटी चम्मच ली है। इसमें मैं डालूँगी 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला और 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। 1 चम्मच मैंने डाला है 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर। थोड़ा सा मैंने डाली है हींग और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट हमें पहले गाढ़ा पेस्ट बनाना है वरना इसमें लम्ब्स पड़ जाते हैं। हम इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद हम इसमें पतला कर लेंगे इसको। ये देखिए पहले मैंने इसको पेस्ट बना लिया अच्छे से, इसके सारे लम्ब्स ख़त्म कर लिए। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के इसको पतला किया है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली रखनी है। ये देखिए जैसा मैंने रखा है आपको ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। अब हम इसको ढक के रख देंगे और हमारा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये मैंने 2 बॉइल्ड आलू लिए हैं, इनको मैंने हाथ से मैश कर लिया। 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच मैंने डाला है अमचूर पाउडर। थोड़ी सी हम हींग डालेंगे इसमें। मसाले आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आप कितना नमक मिर्च खाते हैं। मैंने थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन डाला है, थोड़ी सी हमने हरी मिर्च डाली है कटी हुई और अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये मैंने 1 मीडियम साइज़ प्याज काट ली थी और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से टमाटर। ये मैंने मीडियम साइज़ टमाटर काटा था, ये हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, हमारा मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा इससे। ये देखिए अब हम इसको अच्छे से मैश करके अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और कितना कलरफुल और कितना टेस्टी हमारा ये मसाला बनने वाला है। इससे हमारा वड़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही यम्मी लगने वाला है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप कभी भी इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे और आप बार बार इसे ट्राई करने वाले हैं। ये हमने अच्छे से मैश करके इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम रेडी करेंगे हमारे पाव, हम रेडी करेंगे। अब मैंने ये पाव ले लिया है, इसमें हम ऐसे बीच में से इसमें थोड़ा नाइफ से इसको निकाल देंगे। ये देखिए मैंने इसके बीच से ब्रेड निकाल दिया है, इसको थोड़ा सा हमने स्पेस बना लिया। इसमें आप जितना इसमें फिलिंग करना चाहते हैं उतना ही आप स्पेस बनाइएगा। मैंने इसमें अच्छे से फिलिंग करनी है तो मैंने अच्छे से इसमें जगह बनाई है। ये देखिए मैंने इसमें फिलिंग करके बीच में स्पेस बनाया। इसमें हम डालेंगे पनीर का टुकड़ा। पनीर हमने घर पे बनाया है, इंस्टेंट पनीर, जिसे आप आधे घंटे में बना के यूज़ कर सकते हैं। आपने नहीं देखी है रेसिपी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। हम सारे वड़े ऐसे ही रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने सबको फिल करके रेडी कर लिया है। अब हम इनको करेंगे फ्राई। ये मैंने लिया है ऑयल, इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इन्हें अच्छे से हमारे बेसन के घोल में डिप करेंगे। ये देखिए इसको चारों तरफ से हमें अच्छे से बेसन में लपेट लेना है और उसके बाद हम इसे इसमें डाल देंगे। ये देखिए जहाँ से हमारी फिलिंग रह गई थी वहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा बेसन लगा दिया है ऊपर से। ये देखिए मैं सारे डाल दूँगी एक ही बार में, इसमें स्पेस है तो हम इतना तेल नहीं ले सकते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा तेल इसके ऊपर डाल देंगे और जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो हम दूसरे साइड से फ्राई कर लेंगे इसको और हमारा उल्टा वड़ा पाव हो जाएगा रेडी, जिसे हम उल्टा पुल्टा करके ही सेक लेंगे। ये देखिए कितना टेस्टी बन के रेडी हुआ है ये। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है यकीन मानिए खाने में ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी लगता है और बहुत ईजिली बनता है। हमने थोड़ी सी मिर्ची फ्राई कर ली है और अब देखिए ये हमारे उल्टे वड़े पाव कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इनको कर लेंगे सर्व और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, आपकी फैमिली में ये सबको बहुत अच्छा लगने वाला है। ये देखिए अंदर से मैं दिखा देती हूँ आपको इसकी फीलिंग कितनी अच्छी है। जितना अच्छा हमारा पेस्ट बनेगा उतना ही अच्छा हमारा वड़ा पाव बनेगा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है।
आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। डेली एक नई रेसिपी लेके आती हूँ आपके लिए, आपको उसका अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आप भी रेसिपी बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।